बहिश्त में, जन्नत में, फरदौस में, खुदावंद की हुजूरी में जाना चाहते। कोई भी यहां बैठा ये नहीं कहेगा कि मुझे मेरा प्रोग्राम नहीं है हवन में जाने का, मैं बेहतर हूं, मैं दोजख में जाऊंगा जी, वहां हीटिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो हीटिंग का भी मसला रहता है। वहां पे यशाया ने देखा कि बुलंदी है, एक तख्त है, और उसने उस तख्त पर किसी को बैठे देखा, और वहां का जो माहौल है उसने सराफीम देखे, उनके छह बाजू थे, दो से वो अपने पांव को ढांपते थे, दो से अपने चेहरे को ढांपते थे, और दो से वो फ्लाई करते थे। मैंने जैसे कहा साइन ऑफ क्रॉस बनता है, यीशु मसीह की सलीब के बगैर हम हेवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें कोई चीज ऐसे थोड़ी सी दिखा के जेब में डाल दे तो हम उसके पीछे पीछे खाते से ही आगे क्या किए की गल मैनू खाते से। और शायद जो स्पिरिचुअल लोग हो, जो दानियल की बातों को संजीदा लेते हो, वो कितने बेचैन हो, कितना उसको अप्रोच किया हो कि बता तो उसी लिखा क्या है। अब उसी किताब को यूहन्ना आरफ को फरिश्ता कहता है मुकाशफा में, खोल दे आप इस किताब को और बता दे आप लोगों को कि जो इन बातों को सुने तौबा करे और वो हमेशा की जिंदगी पर। स्लीप से पहले जब कलवरी पे गुनाहों का फिदिया नहीं दिया गया था, सारे ईमानदारों की रूहें अब्राहम की गोद में जाती थी जो जमीन के नीचे था, हेडिस पाताल, और एक तरफ अब्राहम की गोद जो पैराडाइज थी। प्रभु यीशु मसीह इस फिरदौस को अब्राहम की गोद से जितने सबको लेके आसमान पे चला गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट हेवन। इसीलिए पौलुस जब देख के आया उसने कहा कि मेरा तो जी चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, लेकिन जिस्म में रहना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि ये कलाम सुनाऊं और तुम भी मेरे साथ हेवन में चले जाओ। तो जैसे ही हमारी आंखें बंद होगी, वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दिस बॉडी एंड वी विल बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। ये मसीहों के लिए, ये ईमानदारों के लिए, आपके लिए है। आपके लिए हवाला जो फाउंडेशनल पढ़ना चाहता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल का कुलसियों के नाम खत, उसका तीसरा बाब। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। मैं 1997 जनवरी में मैं चंद दिन पहले अपने बच्चों से बात कर रहा था कि लीबिया में था एक ऑयल कंपनी में, मुझे अभी तक याद है, मैं दुआ करके रो रो के दुआ कर रहा था कि खुदावंद मैंने इतनी देर इस कंपनी में सिर्फ टाइम को स्पेयर किया है, रिप्लेसमेंट दी है, और मैं ये ट्रेनिंग जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है ये मैं कर सकूं। और फिर मुझे वीजा मिल गया। जब वीजा मिला तो मैं इतना परेशान नहीं था, मैं जानता था कि मैं किस एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मैं किस होटल में जाऊंगा, बुकिंग थी पहले, सब चीजें तैयार थी, और मैं बहुत आराम से आके अपनी ट्रेनिंग का मैंने हिस्सा शुरू कर लिया। हम अपनी जिंदगी में किसी जगह भी जाना चाहते हैं हम उसकी रिसर्च करते हैं, अगर हम वहां वाकई जाना चाहते हैं, यह बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया बहिश्त में, जन्नत में, फरदौस में, खुदावंद की हुजूरी में
जाना चाहती है। कोई भी यहां बैठा ये नहीं कहेगा कि मुझे मेरा प्रोग्राम नहीं है हेवन में जाने का, मैं बेहतर हूं, मैं दोजख में जाऊंगा जी, वहां हीटिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो हीटिंग का भी मसला रहता है। कोई मेरा नहीं है, एक भी शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम सब हेवन में जाना चाहते हैं। क्या कभी बैठ के हमने सोचा है कि वो कैसा होगा, वहां की सकाफत क्या है, वहां कानून क्या है, वहां किसकी हुक्मरानी है, वहां का तर्ज जिंदगी क्या है, कैसा महसूस करेंगे हम जब वहां जाएंगे। और आज का जो पैगाम है, खुदावन ने मुझे यही दिया है कि हम सब खुश हैं रैप्चर में, हम यीशु मसीह आएंगे बादलों पे और हम उनके साथ आसमान में चले जाएंगे, हम सब खुश हैं। लेकिन हम कभी नहीं सोचते क्या वो जब आसमां बादलों पे आएंगे तो क्या मैं उस क्राइटेरिया में हूं कि मैं वो मुझे ले जाएंगे। 10 कुमारियों की आपने मिसाल सुनी है, यीशु मसीह ने खुद उसे कहा, 10ों ही तैयार थी, दुल्हनों का लिबास था, वैसे ही दिखती थी, लेकिन जब दुल्हे की जो है वो ऊंग जो आवाज आई तो 5 को यह एहसास हुआ कि वो कुपियों में तो तेल नहीं है, वो भागी। और मैं ये सोच रहा था कि अजीब बात है, अगर हम शादियों में जाएं या किसी भी जगह जाएं तो हम लोगों से नाराज हो जाते हैं, देखें जी मेरा इंतजार ही नहीं किया और बस चली गई और पिकनिक से मैं रह गया, मैं वो शादी की बारात की बारात जा रही थी तो इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि ये 15 मिनट मेरा इंतजार ही कर लेते। सो ये दुल्हा ऐसा है कि इसमें कोई इंतजार हो नहीं सकता, ये हमारे लिए शायद एक बड़ी अचंभे की और थोड़ी सी परेशानी की बात हो, क्योंकि हम आती हैं, हम टाइम भी देते हैं तो लचक दे के देते हैं, लेकिन ही सो परफेक्ट। वहां लिखा है आंख के झपकने पर, मैं इस पे एक दिन थोड़ा सा मैंने गौर किया कि ये कितनी देर है, हम सब बैठे हैं हमारी आंखों की ये झपक रही है, हमें एहसास नहीं होता इतना खुदा ने, और वो वहां लिखा है कि आंख के झपकने में, ट्विंकलिंग ऑफ आई, वो ऐसा होगा और जो मुर्दे हैं वो कब्रों में से जी उठेंगे और जो हम जिंदा हैं वो ग्लोरीफाइड बॉडी हम ले लेंगे। यशाया का सहीफा, उसका जो मैंने 6 बाब पढ़ा था शुरू में, वहां पे यशाया ने देखा कि बुलंदी है, एक तख्त है और उसने उस तख्त पर किसी को बैठे देखा, और वहां का जो माहौल है उसने सराफीम देखे, उनके 6 बाजू थे, 2 से वो अपने पांव को ढांपते थे, 2 से अपने चेहरे को ढांपते थे और 2 से वो फ्लाई करते थे। मैंने जैसे कहा साइन ऑफ क्रॉस बनता है, यीशु मसीह की सलीब के बगैर हम हेवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसा इजी तरीका खुदा ने हमें बख्शा हुआ है। उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस में देखें, खुदा यीशु मसीह ने उसका बड़ा जिक्र किया, बल्कि जितना भी है आप देखें इंसान को समझाने के लिए, क्योंकि हम सब मकानों के आदि हैं, डिटैच प्रॉपर्टी, सेमी डिटैच प्रॉपर्टी, टेरेस प्रॉपर्टी, मेरे पास इतने मकान हैं बैठे हुए, अब जी 10 साल हो गया मेरे तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये इंसान की एक डिजायर, जीसस टुक इट फ्रॉम देयर। ये कौम मकानों को पसंद करती है, ये जायदादों को पसंद करती है। उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। एवरीवन वाज अट्रैक्टेड, बड़ी एकदम उन्होंने कहा कि ये मेरे बाप के घर में भी मकान है, और यकीन दिलाया कि अगर ना होते तो मैं तुम्हें क्या देता। बहुत दफा जो बाइबल में या हेवन के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें अलामती हैं,
वो सिंबॉलिक है, तशबीह दी गई है। जैसे कि मूसा के बारे में कि मूसा खुदा के चेहरे को देखना चाहता था, उसने कहा मूसा तू मेरा जलाल देख नहीं सकता, चेहरा देख नहीं सकता तू मेरा। सो इट डजंट मीन गॉड हैज अ बॉडी ऑफ लाइक दिस, समझाने के लिए हमारी इंसानी अकल के लिए कि उसकी कुदरत, उसकी पाकीज़गी, खुदा रूह है। और फिर जो है हम उस कहानी को देखते हैं, उसने मूसा का जो है उसने पुश्त देखी, तो इसका मतलब है कि पुश्त का ये कमर नहीं, वो खुदा की वो ग्लोरी, वो जलाल, वो कुदरत। और इसी तरह अगर आप चौथे बाब में देखें जो आपने तलावत सुनी है, मैं उसको थोड़ा सा टच करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये सिंबॉलिक चीजों को खोल के बयान करना मैं शुरू करूं तो बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। सो आई नीड टू समराइज, दो तीन चीजों को मैं बताना चाहता हूं। एक दफा ये मुकद्दस पौलूस भी हेवन में उठाए गए, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि वो कब हुआ, मुकद्दस पौलूस कब गए? उसमें कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं और ये मैं नहीं जानता कि वो जिस्म में या जिस्म के बगैर तीसरे आसमान तक उठाया गया। अगर आप उसे पढ़ के देखें अमाल को, एक दफा पौलूस जो है वो तबलीग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तुम जो तुम बुत जिनकी तुम इबादत करते हो ये खुदा नहीं है, और वहां पे उन्हें संसार किया गया, इतना संसार किया गया कि वो समझे कि अब ये मर गया है। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन स्पिरिचुअल रैम, उसके जिस्म को मार रहे हैं लेकिन वो आसमान में है। वहां लिखा हुआ है वो उसे मुर्दा समझकर खींच के ले गए, दीवार के पास उन्होंने फेंक दिया उसे, लेकिन वो ऊपर है। और उसके बारे में कहता है कि वहां जो मैंने चीजें देखी वो इंसान को उनके बारे में बोलना रवा ही नहीं है, बता ही नहीं मैं सकता। दानियल नबी की अगर आप किताब पढ़ के देखें, वहां जो वो कदीमुल याम की बात करते हैं आखिरी अपने चैप्टर में दानियल की किताब में, तो वहां उसने दानियल लिखते हैं, कहते हैं कि फिर मुझे आवाज आई, उन्होंने कहा कि इस किताब को बंद कर दे, इस पे मोहर लगा दे, ये बहुत बाद के जमाने की है और इसको छुपा ले इस बात को। और मैं सोच रहा था जिन दिनों में दानियल ने इसकी बात की होगी कितना तजस्सुस लोगों को हुआ होगा कि वो क्या है, हमें कोई चीज ऐसे थोड़ी सी दिखा के जेब में डाल दे तो हम उसके पीछे पीछे वो खाते सही यार लिखा की गल मैं खाते सही। और शायद जो स्पिरिचुअल लोग हों जो दानियल की बातों को संजीदा लेते हो वो कितने बेचैन हो, कितना उसको अप्रोच किया हो कि बता तो उसने लिखा क्या है। अब उसी किताब को यूहन्ना आरफ को फरिश्ता कहता है मुकाशवा में, खोल दे अब इस किताब को और बता दे आप लोगों को कि जो जो है जो इन बातों को सुने तौबा करे और वो हमेशा की जिंदगी पाए। और मैं ये समझता हूं आप और मैं वो मुबारक लोग हैं जो इस किताब की और उसमें आने वाली चीजों की, उस डेस्टिनेशन की के बारे में जानते हैं। एक दफा खुदा यीशु मसीह यहूदी उनसे बात कर रहे थे तो इब्राहिम यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू, यहूदियों ने कहा क्या तू इब्राहिम से भी बड़ा है, तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं, फिर तू ये ऐसी बातें कैसे कहता है। तो खुदा यीशु मसीह ने ये कहा, उन्होंने कहा कि इससे पेशतर कि इब्राहिम था मैं हूं। और उस वक्त भी खुदा यीशु मसीह को ब्लास्फेमी के केस में वो संसार करना चाहते थे कि ये अपने आप को इब्राहिम से भी ज्यादा बड़ा जानता है। यहूदी इस बात को नहीं जानते थे, लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि एक जो ईमानदार है, एक दूसरी एक जो बात है, इस हेवन में हम कैसे जा सकते हैं, कब जाते हैं। मैं यहां से शुरू करता हूं फिर मैं सावन की तरफ आता हूं। कलीसियाओं की अकायद है
कि जो ईमानदार हैं वो मर जाएंगे, जो अच्छे लोग होंगे तो वो बरज़ख एक जगह है वहां जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जो जिंदा हैं उनके लिए खराब करेंगे, दुआएं करेंगे, और फिर उनकी रूह को आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगता जाएगा और फिर वो जो है हेवन में चले जाएंगे, या इब्राहिम की गोद, जिसे अक्सर लोग अभी तक भी इस भेद को नहीं समझते, वो इब्राहिम की गोद को कहते हैं कि ईमानदार वहां जाते। स्लीप से पहले जब कलवरी पे गुनाहों का फिदिया नहीं दिया गया था, सारे ईमानदारों की रूहें इब्राहिम की गोद में जाती थी जो जमीन के नीचे था, हेडिस पाताल, और एक तरफ इब्राहिम की गोद जो पैराडाइज थी। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने जो मिसाल दी, उसने कहा कि गरीब लाजर मर गया और दौलतमंद भी मर गया, तो गरीब लाजर को जो है वहां खुदा यीशु मसीह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा, उन्होंने कहा कि फरिश्ते आए और वो फरिश्ते इस लाजर को इब्राहिम की गोद तक पहुंचाया, और वो दौलतमंद जो था वो पाताल में था, ये दोनों उस वक्त जमीन के नीचे थी। और पत्रस इस बात को वेद को खोलता है कि कलवरी पर जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी, और वो कहते हैं कि इसी में जाके वो पाताल में गया और शैतान के सर पर अपने पांव को रखा और उसने कहा मौत की कुंजियां मुझे दे दे, आई हैव डन इट, और उससे कुंजियां छीन ली। उस वक्त खुदा यीशु मसीह इस फिरदौस को इब्राहिम की गोद में जितने सबको लेके आसमान पे चला गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट हेवन। अगर आप पढ़ के देखेंगे मुकाशवा उसका 21-22 बाब, यू विल फील एन अदर हेवन। मैं आज प्रेजेंट जो हेवन है उसकी बात कर रहा हूं। और जहां हम देखते हैं यूहन्ना आरफ को, पत्र पौलुस कहता कि मैं वहां की चीजों के बारे में बता ही नहीं सकता, और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था कि हमें उसकी वाकई अगर वो बताए भी तो हमें इसकी समझ भी नहीं आएगी, वो दुनिया अलग है। वहां पहुंचने का जो आपने देखा, ये जो जितने रॉकेट्स में जाते हैं उनके पास आपने देखा होगा न्यूज में, उनका खास सूट होता है, खलाई सूट, उसके बगैर वो रॉकेट में नहीं बैठते। फजा में जाने के लिए एक सूट है स्पेशली जमीन का, और जो आसमान में जो हेवन है वहां जाने के लिए भी खास लिबास है। और वो बाइबल क्या कहती है, ये जिस्म पौलुस बड़ा खूबसूरत कहते हैं, हम सब मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे, और इंग्लिश में लिखा है वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, हमें नूरानी और जलाली बदन मिल जाएंगे। इसलिए पौलुस जब देख के आया उसने कहा कि मेरा तो जी चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, लेकिन जिस्म में रहना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि ये कलाम सुनाऊं और तुम भी मेरे साथ हेवन में चले जाओ, क्योंकि इस जमीन पर जो है स्वाय मुसीबत और दुखों के नहीं है। अब यूहन्ना आरफ जो है यहां वो लिखते हैं कि मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर, ये यशायाह जो कह रहा है एग्जैक्टली उसको वो वेरीफाई कर रहा है ये यूहन्ना आरफ, उसने आसमान पर एक तख्त को देखा बुलंदी पर, आरफ कहते हैं आसमान पर एक तख्त रखा है, उस तख्त पर कोई बैठा है, यशायाह भी यही बता रहा है कि मैंने ऊंची बहुत ऊंचाई पर बुलंदी पर एक तख्त पर किसी को बैठे देखा, यूहन्ना आरफ भी यही कह रहे, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। संगे यशब जो है, आपने जो पहली तिलावत जो सुनी, जो चीफ प्रीस्ट होता था उसका खास लिबास होता था, और उसके सीने पर 12 हीरों की एक ब्रेस्ट प्लेट, उसे सीना बंद लगा होता था। वो 12 कबीलों को आपने पहली तिलावत सुनी, मैं अगर उन सबको टच करूंगा वी नीड मच मोर टाइम, लेकिन मैं आज उससे टच नहीं करूंगा। मैं यहां बैठा सोच रहा था कि इस पे मैं किसी दिन अलग पैगाम दूंगा कि उसका क्या मानी है, कहन के लिबास का क्या मतलब है। इस बाइबल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेमकसद है, और ये जो बुक है ये पदाइश मुकाशवा को यही ऑथेंटिकेटेड एक किताब है। अगर आप जानना चाहते हैं पदाइश के पहले 2 बाब पढ़े और मुकाशवा के आखिरी 2 बाब पढ़े,
एग्जैक्टली द सेम। खुदा जो है वो बदलता नहीं। वहां उसने शुरू किया अदन में, यहां पे 21वें 20 22वें बाब में उन्हीं चीजों को वो रिस्टोर कर रहा है इटर्निटी में। वहां अबे हयात का जो दरख्त है जिसके इर्द गिर्द पहरा लगा, आप 22वां बाब पढ़ के देखें, अबे हयात के दरख्त का हमें जिंदगी के दरख्त का और दरिया का तजर्बा मिलता है। वहां जो ऐसे फल लगते हैं 12 महीने फल आते रहते हैं। एग्जैक्टली द सेम जो मुकाशफा 21 और 22वां बाब है वो पदाइश पहले और दूसरे बाब में छुपा हुआ है। इसे हम कहते हैं इन शैडो, इट्स अ मिरर। पदाइश के जो दोनों बाब हैं, जेनेसिस के दोनों बाब हैं, दे आर मिरर ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड 22। अगर आप कभी ध्यान से पढ़ के देखें, मैंने उसे देखा है और एक एक चीज जो है, खुदा अपने मंसूबे को बदलता नहीं। उसने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। अब हेवन में क्या है, ये कहते हैं कि वो संगे यशब एक बात, और नंबर दो अकीक सा मालूम होता है। संगे यशब जो है ये ग्लोरी को, ये डायमंड की तरह, इसमें इसका मकसद है खुदा की पाकीजगी, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार। वो पाक खुदा है, उसको जाहर करता है। और अकीक जो है रूबी, ये सुरख रंग का ये पत्थर होता है। ये यीशु मसीह के उस खून को जो कलवरी पर बहा, जिसने शैतान के सर को कुचला और जिसने आम इंसान के गुनाहों को धोकर, और यूहन्ना अपनी इंजील में लिखते हैं कि इससे हम खुदा के फर्जंद हो गए ईमान लाने से। अब ये दोनों चीजें वहां जो है वो बिल्कुल एक अलामत की कि हेवन में जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। यीशु मसीह खुद खुदा है, बाप के दाहिनी तरफ बैठा। स्टीफनस जो दूसरा शहीद है मसीहत में, उसने भी जब उसे संसार कर रहे थे, उसने भी लिखा कि मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। और हमें बाइबल में, हम अपने ईमान के इकरार में भी ये पढ़ते हैं कि वो खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया, लेकिन शहीदों के लिए वो उठ के खड़ा हो जाता है जो उसकी गवाही देते हैं, जो उसके कलाम पर मजबूत करते हैं। ही स्टैंड्स इन द ऑनर, उनकी रूह को रसीव करने के लिए। और उसके बाद ये बिलोर की मानद, खुदा की पाकीजगी, उसकी इटर्निटी। और इस तख्त जो है, यहां जो तख्त है, अक्सर हम हमारे जहन में ये ख्याल है कि जैसे एक तख्त है बादशाहों के, जो तख्त है वो इख्तियार और कुदरत को जाहिर करता है। और अगर इस तख्त के बारे में, ये भी सराफीम हैं, ये जो सराफीम और उनके, जब इसे ज्यादा डिटेल से पढ़ें तो फिर मुझे बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सो इट शोज द अथॉरिटी कि उसके पास है सब कुछ। और वहां धनक जो है, जुमुर्द की धनक का जिक्र है। आपको याद है धनक जो कौसो कजा है, जिसे हम रेनबो कहते हैं, वो कब नजर आई थी, जब खुदा ने अपने अहद की कमान इस बादलों पे दिखाई थी। तो खुदा अपने उसी अहद को हमेशा याद करता है, लेकिन यहां रेनबो की जो शक्ल है वो जुमुर्द की तरह है, पाकीजगी की, फतह की, खुशी की। और उसके बाद हम देखते हैं 24 बुजुर्गों को देखते हैं। 24 बुजुर्ग जो है वो, ये अगर जब हम उनको रेफरेंस देते हैं, वो 12 जो कबीले हैं इसराइल के और 12 शागिर्द जो यीशु मसीह के हैं, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि सिर्फ और जो इसराइल के 12 कबीले और 12 शागिर्द ही हेवन में उसके सामने होंगे। इट मीन्स के पुराने अहदनामे के ईमानदार और नए अहदनामे के ईमानदार, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे ही हमारी आंखें बंद होगी, वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दिस बॉडी एंड वी विल बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। ये मसीहों के लिए, ये ईमानदारों के लिए, आपके लिए है। हमें लंबा कष्ट काटने की जरूरत नहीं। और जो बेईमान मरते हैं, फिर शैतान के फरिश्ते आते हैं उसे लेके जाने के लिए।
उसके बाद हम यहां देखते हैं कि एक जानदार है चार और उनकी आंखें ही आंखें हैं। इसका क्या मतलब है कि खुदा देखता है एक एक चीज को, जज करता है, खुदा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और वहां जो एक बात होगी, सताइश होगी, अभी हमने गीत भी गाए, प्रस्तिश जो है वो हर वक्त होगी। एक दफा एक मैंने किताब पढ़ी और उसमें किसी ने लिखा कि मैं तो इंटरेस्ट नहीं हूं हेवन में जाने का, क्योंकि वहां तो बड़ा बोर समा होगा कि हम तो चर्चेज में जो है जब आते हैं 10:30 बजे सुबह या 2 बजे तो हम बैठ के गीत गाते हैं, गीत गाने में इतने थक जाते हैं, तो यही काम वही होना है तो छोड़े क्या, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब जब हम ये जहनी तौर पे जानते हैं, 3-4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। द मोमेंट ये हमारे जो बॉडीज हैं, पत्रस ने इस बात को, पौलुस ने भी लिखा है, वो कहते हैं कि अभी हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है। याद है आपको इस आयत का कि अभी हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन वो वक्त आएगा कि हम रूबरू देखेंगे और साफ साफ देखेंगे। इस जिस्म में रहते हुए हमें सीखने समझाने की के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। द मोमेंट हम इस बॉडी में से निकलेंगे, हमारा वो लेवल होगा ग्लोरीफाइड बॉडी जो हवा में से गुजर जाती है। वहां जाके जब हम चीजों को देखेंगे खुदा की नॉलेज और उसकी कुदरत में, जैसे खुदा देखता है वैसे देखेंगे। वहां सिखाने की, वहां कोई प्रीचिंग नहीं होगी, प्रीचिंग इज डन ओनली हियर, वहां सिर्फ वर्शिप होगी। और फिर हम खुदा को ऐसे रूबरू देखेंगे। एक सवाल हम कर सकते हैं कि अगर खुदा रूह है तो फिर क्या क्या हम कैसे देखेंगे, जब रूबरू कहते हैं कि हम इस तरह आमने सामने देखेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस वेद को जानना चाहते हैं, घर जाके आप पढ़िए इस्तिस्ना, डिटोनमी चैप्टर 18:18-19। वहां पे खुदा ने मूसा को यह कहा कि मैं तेरी मानदी तेरे भाइयों में से, मेरा ख्याल मैं वो आयत आपके लिए पढ़ता हूं जिससे आप इसको समझने में आसानी होगी। ये है इस्तिस्ना, उसका 18 बाब, डिटोनमी चैप्टर 18:18-19 में आपके लिए पढ़ता हूं। और खुदा मूसा से कह रहे हैं, मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी भरपा करूंगा। और अपना, अब इसके बारे में देखिए जो जो एक क्राइटेरिया है वो बड़ा ध्यान से सुनिए, भरपा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। यूहन्ना की इंजील में खुदाम यीशु मसीह ने कहा, बाप और मैं एक हैं, मैं बाप से निकला हूं, जो बाप मुझे कहता है मैं वही करता हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। ये अब यहां पूरी होती है वो बात, खुदा का मंसूबा जो खुदा ने मूसा को बताया था। और फिर आगे है 19वीं, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहे ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा कि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि निजात देने आया हूं, लेकिन एक है जो तुम्हें मुजरम ठहराएगा, वो कलाम जो मैंने तुमसे किया। और ये जो नबी की बात होती है ये खुदा यीशु मसीह का वो रूप है जो इंसानी जिस्म में खुदा आया और फिर कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा। जब भी आप नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में खुदा को देखने की बात देखेंगे, वहां यीशु मसीह का जिस्मानी बदन उसका जिक्र है। इसलिए यहां भी यूहन्ना अरब में ने भी देखा कि वो तख्त पे जो बैठा है, फिजिकली जो स्पिरिचुअली से देख रहे हैं, रूहानी ये क्या, ये ग्लोरीफाइड बॉडी में, तो वो खुदा यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास सारा इख्तियार है। और उसके आगे आप देखते हैं कि वो सब एक कहते हैं, आराम लिए ये कहते रहते हैं, कुदूस कुदूस कुदूस, खुदामंद खुदा कादर मुतलक जो था और जो है जो आने वाला है। ये साया ने भी यही आवाज सुनी
उन सराफीम से, वो भी कहते हैं कुदूस कुदूस कुदूस, और यूहन्ना आरिफ नबी से देखा। और फिर उसके बाद 24 बुजुर्ग हैं जो ईमानदार हैं, वो अपने ताज आगे वो फिर यही कहते हैं, ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। हेवन, जहां सताइश है। यहां थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं जो वहां आपको नहीं मिलेंगी, शायद हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाए, क्योंकि हम न्यूज में देखना चाहते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी क्वींस मेडिकल का वो हर वक्त खुला होना चाहिए, और कुछ भी हो कभी भी हम मेम्स में जाएं, मेडिकल सहूलियत क्या होंगी। सो बैड न्यूज इज दिस, देयर इज नो हॉस्पिटल। उसकी वजह क्या है? कोई बीमारी है नहीं, वहां पे कोई काउंसलर्स नहीं मिलेंगे आपको, स्ट्रेस है ही नहीं, वहां किसी जगह बैंक्स नहीं मिलेंगे, गरीबी है ही नहीं। वहां एक बाइबल में एक वर्स है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वहां सब अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में हम हर वक्त रूहानी जंग में हैं। हम दुआ कर रहे हैं, बाहर निकलते ही हम देखते हैं जिस्म में है, हमें जो है आजमाइशें आती हैं, स्ट्रगल करते हैं हम। ये वहां नहीं होगा, हम टोटली वी विल हैव रेस्ट। हमारे मुंह से कोई लफ्ज निकल गया, हम रोजा रखेंगे, खुदा से माफी मांगेंगे, फिर कहेंगे वो मुझसे गलती होगी, मैं इंसान हूं, खुदा तू मुझे माफ कर। इट विल टोटली सीज देयर। हम रेस्ट से होंगे, किसी किस्म की कोई ज़हनी दबाव नहीं है, किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं है। वहां आपको कोई कब्रिस्तान नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत वहां नहीं है। वहां कोई रोता हुआ शख्स आपको नहीं मिलेगा, कि वहां खुशी है क्योंकि जो बर्रे ने उनके आंसुओं को पूंछ दिया हुआ है। वहां आपको कोई 9 to 5 के लिए भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि खुदा की सूरत में हैं, और यीशु मसीह ने खुदा की सूरत में आके जब मोजज़ात किए, भूखों को खाना खिलाया, कोढ़ियों को चंगा किया, एग्जैक्टली उसने उसी इंसान को पेश किया जो खुदा की सूरत में है। उस वक्त हम सब खुदा की सूरत में हैं, नूरानी जिस्म में हैं, पाक हैं। और एक और गुड न्यूज है, जो हमसे पहले चले गए हैं हमारी वहां मुलाकात होगी, हम उन्हें देखेंगे वहां जमीन पे। तो अक्सर कहते हैं कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। अगर आप वाकई उनको प्यार करते हैं जो आपके अजीज हैं, आप उन्हें अगर दोबारा देखना चाहते हैं, हेवन इज द ओनली प्लेस जहां पे खुशी है, जहां पे आजादी है, जहां पे एक बादशाह है, और वहां वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। वहां लंबी लंबी जो प्रेयर मीटिंग्स में आपको बैठने से जान छूट जाएगी। You will be like an angel. आपने क्या कहा, आपने सुना है खुदा यीशु मसीह ने को किसी ने यह सवाल किया कि एक शख्स की एक औरत थी, उसका फलां शादी हुई, वो मर गया, इतने बंदे उसने मार दिए, तो वो कहने लगे आखिर में वो किसकी बीवी होगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वहां जो है वो ब्याह शादियां नहीं होंगी, वहां हम फरिश्तों जैसे होंगे, क्योंकि ये जिस्म यहां रह जाएगा, वो नूरानी जिस्म है, और वो हेवन के मुताबिक उसमें हम रहेंगे। सोच, एक एक चीज बदल जाएगी, और वहां पे इटर्निटी में हमें किसी भी किस्म की कोई फिक्र की जरूरत नहीं होगी। और यीशु मसीह ने इस बात को असल में जमीन पर सिखाने की कोशिश की, उसने कहा कि फिक्र ना करो, फिर कहा कि पोशाक के लिए, रोटी कपड़े मकान के लिए क्यों फिक्र करते, जंगली सोसनों को देखो। सुलेमान बादशाह के पास भी ऐसी पोशाक नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि ये शख्स जो है ये वहां से आया है जहां ये जो जमीन पे चीजें हैं वहां उसका नापैद है वो, इसलिए यीशु की जो भी बात कहेंगे वो एग्जैक्टली उस मुल्क से आया है। उसने निकोदीमस को यह बताया है, उसने कहा कि तुम उन चीजों की बातें करते हो जो तुमने अपनी आंखें से देखी,
और मैं उन चीजों की बात करता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, आप फैसला आपके पास है। मजहब हमें यह बताता है खुदा की मर्जी है अगर हम वहां, खुदा की मर्जी है अगर हम वहां जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने यह कहा, खुदा का यह कलाम कहता है यह आपकी मर्जी है, यह आपके हाथ में है, आप चुन सकते हैं। खुदा की मोहब्बत की खूबी हर बात में शुरू से यही रही कि उसने इंसान को आजाद मर्जी दी है। हेल के बारे में भी आपको पता है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि उसकी हमें पंजाबी च कहिंदे ने जिस पिंड जाना नहीं उहदा राह की पुछना सी। क्यों मैं हवन दे बारे च जो है एक दिन मैंने सोचा कि मेरे कहा नो वी विल नॉट एम टू गो देयर। जब हमारे पास प्रोविजन है हम हमेशा उस चीज को चुनते हैं जो अच्छी है, जो बेनिफिट है, जिसमें खुशी है, जिसमें हमेशा की है। और ये वो हेवन है जिसकी प्रेजेंटली में, जो प्रेजेंट हेवन है, ये जिस्म से निकल के जब हम जाएंगे। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह आएंगे बादलों पर कलीसिया को ले जाएंगे और फिर वो दूसरी आमद में आएंगे, मुकाशवा 19 और 20वां बाब पढ़ के देखिए, फिर वो यरूशलम में 1000 साल तक बादशाहत करेंगे, फिर जो है इंसाफ होगा, फिर 21वें बाब को पढ़िए, फिर नया यरूशलम आपको नजर आएगा वहां पे, ये दूसरा, उसमें सारी चीजें लिखी हैं, पढ़ के देखिए। फिर 22वें बाब में जब शैतान और उसके सारे हवारी और जितने गुनहगार हैं आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, वहां पर योना अरब को दिखाया एक नया आसमान, एक नई जमीन, और वहां खुदा और उसके लोग। आप कहां जाना चाहते, फैसला आपके हाथ में है। और खुदा यीशु मसीह ने वहां की एक एक चीज बताई है, बहुत सी चीजें जिसमें मैं बहुत और बात कर सकता हूं, लेकिन उन्हें हमें जानना की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो वक्त आएगा हम खुद ब खुद जान जाएंगे। ग्लोरीफाइड बॉडीज में ये जो जहन है, ये लाशौर, ये इस मट्टी में चले जाएगा जिसे कीड़े खाएंगे, लेकिन वो जो जिस्म मिलेगा खुदा की अकल, इसलिए पौलुस कहता है और अकल नई होने पर सूरत भी बदलते जाओ और खुदा की मर्जी को तजर्बे से मालूम करते रहो। आइए चंद लम्हे हम गौर करें, अगर आज शाम हमारी जिंदगी की घड़ी की सुई रुक जाती है तो हम कहां एंड अप होंगे। अगर आपने आज तक फैसला नहीं किया, उसके जाने का बहुत आसान तरीका है, अब खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं, कहें कि वो मेरे गुनाहों की खातिर मुझे मरना था वो मरा, मैं उस गुनाह से तौबा करता हूं जिसकी वजह से उसे मेरी जान, मेरे लिए जान देनी पड़े, मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूं। यीशु मसीह आएंगे, आपके सारे गुनाहों को माफ कर देंगे और आपको रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे। खुदा की सूरत पे बना हुआ वो आदम आप बन जाएंगे जो खुदा ने मंसूबा बनाया। नए सिरे से पैदा होने का ये मतलब है फितरत बदल देगा, सोच बदल देगा, मोहब्बत में और मेयार को बदल देगा। नए सिरे से पैदा हो और फिर पाक रूह की कुव्वत से पाक जिंदगी गुजारें, रफाकत रखें खुदा के लोगों से, हर रोज उसका कलाम पढ़ें, उसकी सताइश करें, और आप देखिएगा आपके एक तरफ 1000 और दाहिनी तरफ 10000 गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएगी। अगर आपने आज तक फैसला नहीं किया कि आप हेवन में जाना चाहते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है, मर्सी आपकी है। लेकिन वो चाहता है कि मैं जहां मैं हूं वहां तुम भी हो,
मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, और जब तुम मुझे इजाजत दे दोगे कि तुम्हारे हिस्से का प्लॉट भी मैं बुक करूं, तो फिर मैं आके तुम्हें ले भी लूंगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो।